Now, the recording process has begun. So, first of all, the concept of mirror image, or you can also say it as a reflection. Suppose I have a point over here. Please pay attention, each and everyone on board. ठीक है? Suppose I have a point, let's say 2, 3. Now, you will be asked in question, what is the mirror image of 2, 3 with respect to x-axis as well as y-axis? Now, keep a mirror over here. अगर y-axis का पूछा है तो ऐसे जैसे ही मिरर इमेज करोगे तो आप लोगों को 2, 3 ये साइड देखने को मिलेगा, ये साइड देखने को मिलेगा, तो यहां पे कहीं पे पॉइंट आएगा, उसका एग्जैक्टली मिरर इमेज, तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा -2, 3. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर वाई एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्स एक्सिस. ये चीज अब यहाँ पे मिरर रखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड दैट विल बी 2, -3. समझ लो एक बात, आप लोगों को ऐसा पूछा जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू, कोई ना कोई पॉइंट दे देंगे, बराबर है, एनी डैम पॉइंट विल बी गिवन. कि लेट अस अज्यूम कि ये 2, 3, मैंने एक अज्यूम करवाया आप लोगों के पास कि 2, 3 इज योर पॉइंट, यू नीड टू फाइंड मिरर इमेज. अब विथ रिस्पेक्ट टू बोथ अगर नहीं लिखा है, कि ऐसा पूछेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो आप लोगों को दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट समझ में आया है तो आई एम टेकिंग वन मोर नंबर ओवर हियर. कैन एनीवन टेल मी द मिरर इमेज ऑफ -4, -4 विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस? ओनली वन विल आंसर. जयमिन गांधी, फटाफट. यस, -4 एंड 4 माइनस विथ रिस्पेक्ट टू वाई बार. वो किसके रिस्पेक्ट में? वो किस वाई बार किसके रिस्पेक्ट में होगा? वो एक्स बार ओके, मतलब -4, 4 ये एक्स के रिस्पेक्ट में है और वाई के रिस्पेक्ट में 4, -4. 4, -4, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, आई एम रबिंग दिस आउट ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियरली देखने को मिले. ठीक है, अब जो है मैं जिसको पूछूं वही आंसर देना. नाउ 3, 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अंशवी वोरा, दैट इज योर जैनी वोरा. 3, 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आजम गली वाला, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. 3 और 3 क्या? -3 और 3 -3 और 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आई एम टॉकिंग अबाउट. 3 और -3 3 एंड -3 माइनस. मोहम्मद आतिया कैन यू टेल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वो क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वो क्या होगा? लोग को है ना आंसर ही देने में. वेदांग चौहान 3, 3 क्या? -3, 3 -3, 3 परफेक्ट, गुड. चलो इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ, बी रेडी दक्ष मेवा वाला, तैयार रहना अपने आंसर देने के लिए. दक्ष मेवा वाला, 2, -3 जो है, 2, -3
विथ बोथ द एक्सिस मुझे इसका रिफ्लेक्शन बताओ, स्पेसिफाई करना कि एक्स कौन सा और वाई कौन सा, दक्ष मेवा वाला। नहीं बोलना है तो मना कर दो, वी ऑल है दिशा मिस्त्री। टू एक्स और माइनस थ्री वाई, माइनस थ्री वाई, टू एक्स ने माइनस थ्री वाई, टू एक्स ने माइनस थ्री वाई कितना आज पॉइंट छे, ये नो रिफ्लेक्शन दिशा मिस्त्री, दिशा मिस्त्री। खुशी मंडल, खुशी मंडल, टू कॉमा माइनस 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 थ्री माइनस 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 थ्री एंड माइनस थ्री, माइनस थ्री एंड माइनस, माइनस थ्री एंड माइनस, माइनस थ्री, माइनस थ्री एंड माइनस थ्री, माइनस थ्री एंड माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस टू इज रॉन्ग एब्सोल्यूटली। इसका मिरर ढूंढना है टू कॉमा माइनस थ्री का, माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू, क्या थ्री एंड माइनस टू, थ्री एंड माइनस टू, यही यहाँ पे आएगा उसका मिरर इमेज। क्या बात कर रही हो, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू माइनस क्रिस माइनस थ्री, क्रिस छतरी वाला, टू कॉमा माइनस थ्री का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कहाँ पे आएगा वो पॉइंट, मिरर इमेज माइनस टू माइनस थ्री, क्या माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, चलो वेरी गुड। अब एक्स एक्सिस में प्रीतिया त्रिवेदी, एक्स एक्सिस में टू कॉमा माइनस थ्री कहां पे दिखाई देगा विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस टू कॉमा माइनस थ्री कहां पे दिखने को मिलेगा, विनय दावरे गुड। मंथन होलकर, मंथन होलकर, इतना टाइम लगाते हो इतना इजी में, पंक्ति मेहता, पंक्ति मेहता, प्रतीक गुड, पैरी पस्ता गया, टू एंड थ्री, बहुत गुस्सा आता है, टू कोमा थ्री इसका मिरर यहां पे आएगा, प्रियल आई गेस तूने रॉन्ग लिखा है, माइनस टू कॉमा थ्री नहीं आएगा, माइनस टू कॉमा थ्री तो यहां पे आता है, आपको यहां का पूछा है। चलो वापस अच्छे से सीखो, अगेन आई एम टीचिंग यू वंस अगेन सिंपल मेथड से। अब देखो कोई भी पॉइंट हो, लेट्स से माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री है, तो एक चीज याद रखो कभी भी उसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है इसके आसपास ही रहेगा, मतलब ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो आपका आंसर सेकंड और फोर्थ में आएगा, पहली बात ये है, बराबर है। अब ये जो माइनस है ऊपर भी जाएगा ना तो एक्स विल रिमेन माइनस और वाई जो है वो प्लस हो जाएगा, तो अब यहां से देखो यहां पे आया ठीक है माइनस फोर कॉमा सॉरी थ्री आएगा और यहां पे जब देखोगे तो क्या आएगा यहां से फोर कॉमा माइनस थ्री। अब सिंपल एक बात समझ लो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो एक्स की जो सॉरी वाई की जो वैल्यू है ना वो सेम ही रहे, एक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा।
थर्ड से अगर सेकंड में जाओगे, थर्ड से अगर सेकंड में जाओगे तो ऐसा पूछेंगे आप लोगों को कि माइनस फोर जो है वो ही रहेगा, लेकिन माइनस थ्री अब जो है वो आपका प्लस हो जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल। चलो वापस एक और पॉइंट, टू और फोर, एनीवन? पहले तो ये बताओ, एक मिनट, पहले ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ही नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। वेरी गुड। अब तो कौन से दो में आएगा? सेकंड एंड फोर्थ, फोर्थ में आएगा, बराबर है। अब ध्यान से सुनो, सेकंड और फोर्थ में आएगा तो ये है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये है नेगेटिव पॉजिटिव, ये है नेगेटिव नेगेटिव, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, और ये है पॉजिटिव नेगेटिव, बराबर है। नाउ अगर आपको पता है यही पॉइंट यहाँ पे भी आने वाला है तो पॉजिटिव नेगेटिव होने वाला है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या आएगा? 2, -4, बराबर है। ये चीज यहाँ पे आएगी तब क्या होगी आप लोगों की? नेगेटिव पॉजिटिव, तो -2 और 4। अब समझ में आया ईच एंड एवरीवन? सो दिस वाज योर कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस। एक और सम करवा दो, फाइनल टच। चलो खुशी मंडल, वापस तुमसे स्टार्ट करते हैं। खुशी मंडल, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ही नहीं? सर फर्स्ट। ओके, तो सेकंड में क्या आंसर आएगा? सर सेकंड में 6 and -6 -6 and 6। और फोर्थ में? फोर्थ में 6 और -6। चलो अब क्लियर है सबका डाउट, क्लियर हो गया। नाउ अब आप लोगों को क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। ये आपका वो रिफ्लेक्शन वाला खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन जो था, रिफ्लेक्शन मिरर इमेज जो भी है वो मैंने खत्म करवा दिया। या तो रिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं या तो मिरर इमेज पूछ सकते हैं। ओके, नाउ यू विल बी आस्क्ड कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, प्लॉट द ग्राफ एंड ऑब्टेन द फिगर सो फॉर्म्ड, ऐसा पूछेंगे, ठीक है? सो लिखो एक पॉइंट, आप लोग लिखो तो फटाफट से। Plot the points on graph. फिर ऐसा लिखना, A point 4, 0, B point 4, 4, C point -4, 4 and D as -4, 0, बराबर है। A as 4, 0, B as 4, 4, C as -4, 4 and D as -4, 0. Join A, B, C, D and find the shape. लिखो, join A, B, C, D and find the shape. So form, yeah. Give the name of the figure so formed. चलो प्लॉट करो और मुझे शेप बताओ कि क्या शेप आ रहा है आप लोगों का।
सर ने क्या लिखा है? सी सी लिखा है माइनस फोर कॉमा फोर। कौन सा शेप आया? कैन एनीवन टेल मी कौन सा शेप बना? रेक्टेंगल। क्या? रेक्टेंगल। एग्जैक्टली रेक्टेंगल। वेल डन पुरवा, वेल डन प्रियल। प्रियल का तुमसे भी पहले आंसर बोल दिया है उसने। अब देखो वो रेक्टेंगल कैसे बना। ईच एंड एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर ऑन बोर्ड। दिस इज योर 4.0, इसको नाम दे दो ए, बराबर है। देन व्हाट इज योर बी पॉइंट? दिस इज योर बी पॉइंट 4.4। देन व्हाट इज योर सी पॉइंट? माइनस 4.4, दिस इज योर सी पॉइंट। ओके, and what is your d point? This is your d point minus 4.0। तो ये जो शेप बना, this is what your join a b c d and this is nothing but your rectangle। Okay, this is nothing but your rectangle। ऐसे ही कुछ और sums है। एक वापस प्लॉट करो आप लोग। चलो ओके, प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स। ए ए 1.4, बी माइनस 2.2 and C 3.2। क्या शेप आया वो बताओ। जॉइन ए बी सी देन जॉइन ट्राइंगल। सी ट्राइंगल परफेक्ट ट्राइंगल परफेक्ट। यस आप लोग प्लॉट जरूर करें, ऐसे हवा में हवाबाजी मत करना। सो ट्राइंगल बनता है आप लोगों का, अगर ट्राइंगल बन रहा है तो दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। देखो ए 1.4 तो यहां पे आया फर्स्ट पॉइंट ए, देन माइनस 2.2 ये हो गया आपका बी पॉइंट, एंड 3.2 तो ये हो गया आपका सी पॉइंट। जॉइन ए बी सी, जैसे ए बी सी जॉइन किया, दिस इज व्हाट यू गेट एज योर ट्राइंगल। बराबर है, गॉट इट ईच एंड एवरीवन? एक और दूं, चलो लिखो एक और आखिरी वाला। आंसर आएगा आप लोगों का ट्राइंगल, वो जो पॉइंट गया वो। जॉइन ए बी सी डी वेयर ए इज योर 3.2,
बी इज माइनस थ्री कॉमा टू, सी इज माइनस थ्री कॉमा माइनस टू एंड डी इज माइनस थ्री सॉरी थ्री कॉमा माइनस टू. चलो जॉइन ए बी सी डी रेक्टेंगल. रेक्टेंगल वापस रेक्टेंगल स्क्वायर स्क्वायर. मेजरमेंट लो अच्छे से. रेक्टेंगल देखो भाई रेक्टेंगल भी हो सकता है आप लोग मेजरमेंट के साथ करना. यहाँ पे बने रेक्टेंगल दिखे शायद स्क्वायर भी आए. ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम तो बिल्कुल नहीं आएगा सॉरी. रेक्टेंगल आप लोग ड्रॉ करके देखोगे तो ही पता चलेगा. इज इट योर सर रेक्टेंगल इज करेक्ट आंसर. ओके रेक्टेंगल विल कम. चलो इसमें एक और ट्विस्ट है. अब ऐसा पूछेंगे थर्ड ट्विस्ट. ये प्लॉट कर दिया ना. अब क्या पूछते हैं बताएं. दे विल आस्क व्हाट इज द एरिया ऑफ फिगर सो फॉर्म्ड. व्हाट इज द एरिया ऑफ फिगर सो फॉर्म्ड. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. L into B. तो यहां से मेजर करने का माइनस थ्री से प्लस थ्री कितना होता है. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सेंटीमीटर और ये कितना है फोर सेंटीमीटर. ठीक है ट्वेंटी फोर आंसर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके जनरली ऐसा एक ट्राइंगल के साथ भी पूछ सकते हैं. एक ट्राइंगल वाला भी लिख लो ठीक है. रेक्टेंगल का तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा. स्क्वायर अगर आता है स्क्वायर ठीक है स्क्वायर में क्या होगा एल स्क्वायर मतलब दिस इनटू दिस आएगा ठीक है. नाउ रेक्टेंगल का सॉरी ट्राइंगल का एक लिख लो एंड दैट विल बी द लास्ट सम. वन इज योर जीरो कॉमा जीरो ऐसा समझो. ए इज योर जीरो कॉमा जीरो. बी पॉइंट यहां पे है समवेयर हियर विच इज जीरो कॉमा फोर एंड सी पॉइंट इज लेट से यहां पे है. दैट मीन्स दिस इज योर सी पॉइंट एंड दैट इज थ्री कॉमा जीरो. तो शेप ये हो गया आप लोगों का ट्राइंगल. नाउ यू विल बी आस्क्ड फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है. हाफ बी एच हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू दिस विल बी योर बेस विच विल बी थ्री सेंटीमीटर एंड व्हाट इज योर हाइट. This is your height. That will be 4 centimeters. 2 twos are answer 6 centimeters. 6 centimeters square. Generally, ऐसा पूछेंगे. पूछा जा सकता है कि area of triangle, area of rectangle. फिर अगर trapezium बनता है तो 5 point होंगे trapezium के लिए. ऐसा कुछ point भी हो सकता है. ट्रेपेजियम के लिए दिस विल बी योर हाइट दिस विल बी योर सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. अगर 3.3 है बराबर है ट्रेपेजियम अगर बनता है तो ट्रेपेजियम की फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स. अगर हम लोग ये पॉइंट ले तो दिस इज 2 एंड इसको भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2 है तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय ये हाइट मेजर करने की. ये हाइट ये कितनी है 4 सेंटीमीटर सो मल्टीप्लाई बाय 4 ठीक है सो 2 2 जा गया.
4 plus 6 10 into 2 20 centimeter square. ठीक है, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ऐसा जनरली पूछा जा सकता है, पूछेंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इतना आने के चांसेस पूरे 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 हैं. तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूं हर एक की फॉर्मूला. एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. देखो ये अभी थर्ड चैप्टर है, इसलिए ये हम लोग यूज कर रहे हैं. जब मैं 12th चैप्टर कराऊंगा ना, तो और एक फॉर्मूला आ जाएगी जो होगी अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसको हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. लेकिन ये अभी भूल जाओ, अभी इसका कोई काम नहीं है हल के लिए. एंड लास्ट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज नथिंग बट हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द हाइट. ओके, सो यहां पे आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीटली ओवर होता है. ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ योर थर्ड चैप्टर. इसके अलावा